नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजगढ़ जिले की ब्यावरा और सुठालिया में आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के संबंध में की गई तैयारियों का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। उपलब्धता के अनुसार गेहूं का भंडारण किया जाएगा। खरीदी केंद्रों पर तौल कांटे, वारदान और पल्ले आदि की व्यवस्था की गई। तौल कांटे बढ़ा दिए गए हैं। शनिवार को भी खरीदी की जाएगी। खरीदी केंद्र पर विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदारियां फिक्स की। केंद्रों पर छाया पानी की व्यवस्था रहेगी। वहां पर पहुंचने वाले लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 तारीख से खरीदी स्टार्ट की जानी है, तो उसके लिए सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और उसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। अच्छा, अब कब से खरीदी शुरू होनी है सर? 15 तारीख से। गर्मी को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे सर? गर्मी को लेकर पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। किसानों के लिए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रहेगी। किसानों का ये कहना है कि उनको जो मैसेज जो किए जाते थे, तो वो मैसेज किए जाएंगे क्या? मैसेज तो होंगे ही, है ना? उन्होंने जो पंजीयन वगैरह करा रखा है, पंजीयन अनुसार मैसेज होंगे। सर, जो पिछली बार जैसे उपार्जन केंद्रों पर भीड़ लगती थी और कई बार अव्यवस्थाएं का सामना करना, इस बार क्या तैयारियां रहेगी उसको लेकर के इस तरह की अव्यवस्था ना हो? कोशिश है कि केंद्रों पर हमने कांटे बढ़ाए हैं, हम लोगों ने केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है इस बार, और इसके अलावा ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार शनिवार को भी शासन से अनुमति प्राप्त हुई है खरीदी करने की। तो इन सब तरीकों से कोशिश की जाएगी कि कम से कम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़े। मैसेज को लेकर भी सर कई बार स्थिति आ जाती है कि पहले मैसेज हो जाते, दूसरी बार नंबर नहीं लगता था उनका, जो पहले वाले मैसेज, तो उनके लिए क्या स्थिति रहेगी? नहीं, मैसेज तो एक ही बार होता है, मुझे समझ नहीं। मैसेज तो हो जाते हैं, लेकिन जो नंबर छूट जाते हैं किसान को, कई बार क्या है दो दो तीन तीन दिन तक रहते हैं, फिर जो पहले वाले रहते हैं उनका लेट मिलने के कारण वो बाद में आते हैं। जो लेट डिलीवर होता है वो तो पहले से व्यवस्था है कि वो लोग आके जो है शनिवार इतवार में तुलवा सकते थे, वो तो जो है पहले से व्यवस्था है। और गेहूँ खरीदी को लेकर और COVID-19 से बचाव हेतु जो लॉकडाउन की स्थिति थी उनके बारे में चर्चा की और आगे सुचारू रूप से काम करने से किया गया, उनके आदेशानुसार संविधान किए जाएंगे। गेहूं खरीदी के संबंध में क्या निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय? गेहूं खरीदी के संबंध में जो खरीदी केंद्र है उन पर प्रॉपर जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोगों को आना है, किस तरह से खरीदी की जाना है, किस तरह से उनकी खुदाई होना है और वो समयबद्ध तरीके से किस तरह से हो, इसके बारे में उन्होंने समिति प्रबंधक को हम लोगों को निर्देशित किया। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।